हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, रिव्यू करेंगे कोलास्पा एक्स 135 मिलीग्राम टैबलेट का। जानेंगे टैबलेट कब दी जाती है, कैसे काम करती है, साइड इफेक्ट क्या होंगे, क्या सावधानियां रखना रहती हैं और इसका डोज क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों, कोलास्पा एक्स एक प्रकार का ब्रांड नेम है। इसी तरह मार्केट में कई और ब्रांड नेम्स आ सकते हैं, जैसे कि सेजास्पा सुनेंगे आप, सेजास्पा, मेवकॉन, एल्कॉन या मिवा, बहुत सारे होते हैं। ये जो कोलास्पा 135 मिलीग्राम की टैबलेट है, ये बेसिकली मार्केट में 300-350 तक मिल जाती है, मैक्सिमम 350 MRP रहती है, तो लोग अलग अलग रेट पर बेचते हैं। एक्चुअल में इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों मेवावेरिन, जो कि है 135 मिलीग्राम, और साथ ही इसमें क्लोरोडाइजीपॉक्साइड 5 मिलीग्राम है। अब ये यूज़ कहाँ किया जाता है, देखो पेट से संबंधित समस्याओं में ही चलता है, पेट में दर्द, पेट में गैस बनना, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, इन सब में ही चलता है। अब इस तरह की समस्याओं में तो बहुत सारी दवाइयाँ और आती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी आती हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन है, ड्रोटावेरिन है, पैरासिटामोल दे दो, डाइक्लोफेनिक दे दो। तो खैर, पेट दर्द, पेट फूलना, ये सब नॉर्मल दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, लेकिन इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि कोलास्पा जो है इसमें एक कॉम्बिनेशन है क्लोरोडाइजीपॉक्साइड के साथ में आता है, तो डॉक्टर इसलिए इसको लिखते हैं कि एक ही साथ दो ड्रग्स पहुँच जाते हैं। पहले समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, फिर समझेंगे इसके यूजेस कहाँ कहाँ डॉक्टर्स करते हैं। देखो, पहली चीज़ इसमें है मेवावेरिन, जो कि एक प्रकार का एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग होता है, स्पाज्म को कम करने वाला, मरोड़ को कम करने वाला, पेट में सुई चुभती हैं, मरोड़ें उठती हैं, उनको कम करने वाला। पेट से मतलब बॉडी में कहीं पे भी स्पाज्म होगा, मसल के अंदर बेसिकली, तो उस स्पाज्म को कम करता है, तो चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिलैक्स करता है हमारे इंटेस्टाइन में मसल्स को, तो पेट दर्द बंद हो जाता है। दूसरा इसमें है क्या, क्लोरोडाइजीपॉक्साइड, जो कि एक प्रकार का बेंजोडाइजेपाइन होता है, ठीक है ना, बेंजोडाइजेपाइन इसके साथ में मिला हुआ है, तो इसलिए इसको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। जो बेंजोडाइजेपाइन है, क्लोरोडाइजीपॉक्साइड, ये बेसिकली हमारे ब्रेन पर आके काम करता है, ब्रेन के अंदर गावा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होती हैं, इनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी कम हो जाती है, इन्हीं के द्वारा हमको पेन का सिग्नल पहुँचता है दिमाग तक, तभी हमको दर्द होता है कि भाई पेट दुख रहा है बहुत तेज। तो ये दोनों की दोनों दवाई पेट दर्द को कम करने में सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब लिखते कहाँ, ये भी समझ लो, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की बीमारी होती है उसमें लिखा जाता है, एब्डोमिनल पेन हो, किसी भी तरह का पेट में दर्द हो उसमें लिख सकते हैं, पेट फूल रहा हो, ब्लॉटिंग हो रही है, उसमें गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, तब भी पेट दर्द होता है। हालांकि ये गैस को कम नहीं करेगा, लेकिन ये पेट दर्द को कम करेगा, ठीक है। डायरिया हो रहा है, कई लोगों को डायरिया होता है, तब भी इसको चला सकते हैं कई डॉक्टर्स। कॉन्स्टिपेशन के द्वारा भी कई बार पेट दुखता है, कब्ज हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब भी दूसरे जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स चलता है उसके साथ कोलास्पा एक्स 135 मिलीग्राम टैबलेट दे सकते हैं डॉक्टर्स, या किसी भी मसल के स्पाज्म को रोकने के लिए भी इसको चलाया जा सकता है। तो एक प्रकार से घुमा फिरा कर देखा जाए तो जब पेट दर्द होता है आदमी का, जब डाइसाइक्लोमाइन से आराम नहीं मिल रहा, तो इसको चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये डबल कॉम्बिनेशन में आता है, अलग ड्रग के साथ भी आता है, तो ये अच्छा काम करता है। कुछ सावधानियाँ भी होती हैं इसकी, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। चेक करना है कि मरीज ने शराब वगैरह तो नहीं पी हुई है, एल्कोहल के साथ ये नुकसानदायक होता है, ठीक है। डॉक्टर को बताएं मरीज की उसको प्रेगनेंसी है, बच्चा है छोटा, उसको दूध पिलाती है महिला, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो ये डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर बात की जाए ड्राइव की, तो ड्राइविंग नहीं कर सकते, हो सकता है कि सेडेशन आए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बेंजोडाइजेपाइन मिला हुआ है, ठीक है, तो ड्राइविंग से दूर रहना। किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए, देखो फटीग हो सकती है, थोड़ा बहुत हाथ पैरों में दर्द, थकावट सी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है कई लोगों को, और डिजीनेस, चक्कर सा बना रह सकता है, पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा लेकिन चक्कर सा बना रहेगा। डोजेस की बात की जाए, देखो जैसा कि इसमें बेंजोडाइजेपाइन्स डला हुआ है, क्लोरोडाइजोपॉक्साइड डला हुआ है, तो इसको नॉर्मल दवाइयों की तरह यूज़ नहीं करना है,
इसको डिपेंड ऑन सीवियरिटी, मतलब कि जैसे दर्द है पेशेंट को उसके हिसाब से देना है। दर्द आराम मिल गया तो फिर उसको बंद करना है, फिर आप जो नॉर्मल दवाइयाँ ले रहे हैं वो चलाना है दर्द जब बंद हो जाए। या नॉर्मली डॉक्टर्स 1 OD या 1 BD भी चलाते हैं। कई कई लोगों को ट्रामा की कंडीशंस में पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, चिल्लाते हैं बहुत तेज तेज, तो उनको दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज 1 TDS का ही होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कोलास्पा वैक्स 135 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शुभम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।